हाँ तो दोस्तों, गोल्ड स्टोन टेक्नोलॉजीज के क्वार्टर फोर के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको गोल्ड स्टोन टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2% रेवेन्यू का नंबर कंपनी का बड़ा है और ये नंबर आया है 15 करोड़ पे। लेकिन यहाँ पर अगर हम लॉस की बात करेंगे तो अभी 40 लाख रुपए का कंपनी को लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये लॉस का नंबर 6,60,000 पे था। और अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो 18% रेवेन्यू के नंबर्स बड़े हैं, लेकिन 6 लाख से यहाँ पे जो लॉस का नंबर है वो यहाँ पे 40 लाख पे हमें होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नंबर्स ना तो इतने ज़्यादा बुरे हैं, ना कुछ अच्छा नंबर भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल नंबर हमें यहाँ पे देखने को नजर आता है। तो देखिए, गोल्ड स्टोन टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करेंगे तो प्योरली स्पेक्युलेटेड ये कंपनी है। इतना कम इसका रेवेन्यू का नंबर है और कोई ज़्यादा ग्रोथ मुझे इतनी नज़र आ नहीं रही है। मेरे ख्याल से ये पूरा स्पेक्युलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आता है, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ है नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम 5 साल के रिटर्न की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 300% के भी ज़्यादा, यानी कि एक मल्टीबैगर ये स्टॉक पिछले 5 साल के हिसाब से रहा है। और बेसिकली अगर हम रैली की बात करेंगे तो रैली यहाँ पर अभी आई है। तो ये अभी जिस तरीके से मार्केट में जो रैलीज वगैरह हुई है, वहाँ पे जो स्टॉक की जो वैल्यू नहीं है फिर भी वहाँ पे रैलीज हुई है, तो ये एक तरीके का थोड़ा बबल वगैरह क्रिएट हो जाता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये वही कंपनी है, वहाँ पे जितना लूज करने की कैपेबिलिटी अगर आपकी है तो ये आपने उतना पैसा डालना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अच्छी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। और इन्वेस्टिंग अगर आप वहाँ करोगे जहाँ पे आपको ग्रोथ नज़र आ रही है, जहाँ पे एक अच्छा एक परसेंटेज ऑफ ग्रोथ वहाँ पे नज़र आ रहा है, एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नज़र आ रही है, तो वो वहाँ पे आपकी फोकस रहना चाहिए। डेफिनेटली गोल्ड स्टोन टेक्नोलॉजीज के जो नंबर्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।